गुड मॉर्निंग ग्लोबल लिसनर्स। बैलेंस डेवलपमेंट, संतुलित विकास समाज का किया जाना बहुत ज़रूरी है। मैं कार्ल मार्क्सिज्म की तरह इसको इकोनॉमिक कंसेप्ट से कहना चाहूँगा, अर्थ के रूप में। ज़्यादा लूट भी आवारागर्दी बढ़ाती है और पेट की भूख भी उत्पाद मजबाती है, दोनों ही इस शोध में सामने आ रहा है सामाजिक विकास अध्ययन संस्थान में, कि दोनों ही गुंडागर्दी को आजमाने के एक केंद्र बन जाते हैं। एक को किस बात का डर अपने गर्व में डूब जाता है दौलत के में, और तरह तरह के उत्पाद मचाता है। ऐसे उत्पाद को भगोड़ा अपराधी जाकर लंदन में फोटोएं शेयर कर रहा है, को पुर्तगाल में जाकर कर रहा है। ग्लोबल कम्युनिटी से कहूँगा कि सिर्फ पैसे के लालच के लिए अपराधियों को शरण न दें। पागलपन व्यवस्था के शिकार वाले देशों से लूट कर जो भागने वाले लोग हैं उनको पनाह न दें। लौट आए ताकि हत्थे में उनको चढ़ाया जा सके हत्थे पर, और गरीबी भी अशांति को जन्म देती है। अफ्रीकन देश इसका उदाहरण है और एशियन भगोड़ू अपराधियों के उदाहरण है। इस सुंदर और नदियों वाले महाद्वीप में लूट की व्यवस्था, हथियारों खरीद, दो बातों से ज़्यादा तीसरा सुनने को मिल ही नहीं रहा। ध्यान दें, संगठित होकर अच्छाई के लिए प्रयास करें। ये आलोचना भाव से नहीं, हम सुंदर भविष्य का निर्माण चाहते हैं। भूत पर ज़्यादा कीचड़ उछालने से कुछ नहीं निकलता, और साझा प्रार्थना करते हैं कि जॉइंट वेंचर साफ दिल से लगाए जाए। सत्ताएं अलग चीज़ों की ज़रूरत महसूस करती हैं, परंतु जनता की ज़रूरत, उसे पीढ़ी दर पीढ़ी वहाँ रहना है, बसना है। वो अपने अपने क्षेत्र के विकास पर ध्यान दें, बेकार के एक दूसरे के खिलाफ फर्जी आग उगलने को ज़्यादा तवज्जो न दें। मानव मानव के बीच भाईचारा बढ़े। अशांति मिटाने के लिए ज़रूरी, मैंने जॉब राइट की बात की थी कि आम नागरिक चाहता मुझे काम मिले, काम के बदले दाम मिले, यानी जॉब और जेब उसकी जुड़ी हुई है, और वो शांत जीवन जीना चाहता है, न किसी से नफरत का, न ईर्ष्या का, न आक्रामकता का। यहाँ बुद्धिज्म कंसेप्ट बहुत भारी पड़ रही है सब पर, सभी व्यवस्थाओं पर। मैंने कहा था कि मानव को सेवा के मामले में सिखिज्म जैसे भारी पड़ा था, ऐसे शांति के मामले में बुद्धिज्म भारी पड़ रहा है। और कम से कम बुद्धिस्ट कंट्रीज से ज़रूर कहूँगा, चाहे वो चीन ही हो और जापान, एक फर्जी संगठन की ढेर न लगाएं कि पांच देश इकट्ठे हो गए, हम साझा विकास करेंगे, क्षेत्रीय विकास करेंगे। वो बात सामने आ नहीं रही है। एक थाली में ये एक साथ खाने के लिए, रसोई के एक चूल्हे का भोजन खाने के लिए जरूरी उनके दिल एक हों। या मेरा इशारे ब्रिक्स की तरफ है, रशिया, इंडिया, साउथ अफ्रीका, चाइना और ब्राज़ील ने जो संगठन बनाया था, अमेरिका के बाद, यूएसए के बाद, तुरंत इमीडिएट इकोनॉमी बहुत सी, मैं कहूँगा बड़ी इकोनॉमी वाले कंट्री हैं पांचों, बड़ी शक्ति वाले हर तरह की, और बड़े क्षेत्रफल वाले, भूभाग भी बहुत बड़ा है इनके पास। तो ब्रिक्स वास्तव में उसका मुख्यालय शंघाई में, वो दिल्ली में हो, मॉस्को में, उससे को फर्क नहीं पड़ रहा, दिल एक मिले। मैं चीन की तरफ इशारा करूँगा, विश्वास बढ़ाए भारत के साथ, कूटनीतिक चाले बंद करें। अगर वास्तव में अपना कद बढ़ाना चाहता है तो, विकास देखना चाहता है तो, अलग अलग जगह जाकर ये फर्जी स्टाइल की, इस तरह की जो एक्टिंग करना, वो ठीक नहीं चीन के लिए। विदेश नीति पर मैं कहूँगा, और मैं हमेशा कहता हूँ, ग्लोबल कम्युनिटी को एड्रेस कर रहा हूँ कि यहाँ 193 के आसपास देश हैं, आप देख लें आकर, प्यार बढ़ जाएगा, कोई बुरी बात नहीं है। अलगाव दो पड़ोसी में हो जाता है, किसी बात को लेकर मनमुटाव हो जाता है, परंतु अगर ब्रिक्स को मजबूती देनी है तो निश्चित रूप से
नाटो ने जो हमला किया रूस पर, तो साथ पांचों देशों को साथ आना पड़ेगा। और ये बहुत बड़ी जनसंख्या और इकोनॉमी दोनों को कवर करते हैं। कई बार तो ये कहा जाता है वर्ल्ड की करीब 30% के आसपास इकोनॉमी है इनके पास, पांचों देशों के पास। तो इस लिहाज से ब्रिक्स का डेवलपमेंट और शांति का विश्वासपूर्ण जो